ओम शांति। आज हम योग अभ्यास करेंगे। मेरा भारत देश महान, जिसमें आते शिव भगवान, जग का यह है तीर्थ स्थान, परमपिता का जन्म स्थान, सब देशों में देश महान, मेरा भारत ऊंच महान, ऊंची इसकी शान, जहां स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होकर भारत का तथा सारे विश्व का कल्याण करते हैं। भारत परमात्मा शिव की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, महापरिवर्तन की यज्ञ भूमि है। परमपिता शिव भगवान स्वयंभू पर पधार कर हम आत्माओं को आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र के गुप्त रहस्यों से अवगत कराते हैं हमें। सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, अर्थात स्वयं का दर्शन करने वाली आत्मा हूँ। जो स्वयं का दर्शन करता है वही स्वयं को परिवर्तन कर सकता है। मैं ईश्वरीय ज्ञान योग द्वारा स्वयं को दिव्य गुणों तथा शक्तियों से भरपूर करने वाली दिव्य आत्मा हूँ। ईश्वरीय ज्ञान का दान करने वाली माँ सरस्वती, योग की शक्ति से अपने विकारों रूपी आसुरों का गला काटने वाली महाकाली शिव शक्ति हूँ। स्वयं को दिव्य ज्ञान धन द्वारा भरपूर करने वाली महालक्ष्मी हूँ। सदा संतुष्ट रहने वाली माँ संतोषी हूँ। मेरे शिव पिता मुझे आप समान बना रहे हैं। स्व उन्नति के लिए स्व का दर्शन अति आवश्यक है। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात पवित्र वैष्णव मन वचन कर्म से शुद्ध आत्मा, शुद्ध आहार ग्रहण करने वाली तथा शुद्ध व्यवहार करने वाली आत्मा। सुदर्शन चक्रधारी को श्री विष्णु भी कहा जाता है। श्री विष्णु अर्थात जिसमें विष का अणु मात्र भी ना हो, संपूर्ण निर्विकारी सर्वोत्तम आत्मा, ऐसी शक्तिशाली आत्मा की ही भक्ति में पूजा होती है। हम अपुजारी से
पूज्य बनने का अनुभव कर रहे हैं। सदा पूजनीय शिव परमात्मा स्वयं हमें पूजनीय बना रहे हैं, देवत्व प्रदान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर आकर अपने बच्चों को स्वयं का दर्शन करना सिखाते हैं और परदर्शन से मुक्त बनाते हैं। स्वदर्शन ही स्वउन्नति की सीढ़ी है और परदर्शन अब अंति का मार्ग है, अवनीति का मार्ग है। जो आत्मा सुदर्शन चक्करधारी बनती है उनको ही सर्वोत्तम देव पद प्राप्त होता है। वे सदा सुख समृद्धि व शक्तियों से संपन्न बन जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक आत्मा ही सुदर्शन चक्करधारी कहलाती है। स्व का दर्शन तथा आत्मा की ज्योत जगाकर परमात्मा की याद में रहकर परमात्म चिंतन करना अपने आदि अनादि स्वरूप को पहचान कर स्व के सतो प्रधान स्वरूप में टिकना अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करना और अपनी सर्वोत्तम स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना सुदर्शन चक्रधारी बनना ही आत्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। मुझे सुदर्शन चक्रधारी बनना है। परमात्मा पिता मुझे सुदर्शन चक्रधारी बनाने आए हैं।